हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्सनल हाइजीन टिप्स, जो कि आपको वीकली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो आप भी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो और अपने हाइजीन को आप मेंटेन कर सकते हो। सो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहली टिप जो है वो है ब्रश। आपको डेली 2 टाइम ब्रश करना चाहिए ताकि आपकी जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहे, प्लस आपके जो टीथ में जो भी खाना फंस जाता है सो उससे भी आपको टीथ की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको 2 टाइम एवरीडे ब्रश करना चाहिए। मैं भी यहाँ पे डे में एंड नाइट में दोनों टाइम ब्रश करती हूँ। देन सेकेंड हमारी टिप है टंग क्लीनर। सो आप कोई सा भी टंग क्लीनर ले सकते हो अपने टंग को क्लीन करने के लिए। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ओरल हाइजीन का, जिससे कि आपको अगर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट जो टिप है वो है आपके ईयर्स के लिए। आपको अपने ईयर्स को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। हम सारी चीज़ें क्लीन कर लेते हैं बट ईयर्स को भूल जाते हैं। सो ईयर्स को भी एक सॉफ्ट क्लॉथ की हेल्प से उसको अच्छे से वेट कर लेना है। देन अच्छे से आपके ईयर्स को भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। सो मैं यहाँ पे अपने ईयर्स को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। देन उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है बेली बटन के लिए। आपको अपनी बेली बटन को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। यहाँ पे मैंने माइक्रो फैब्रिक क्लोथ ले लिया है, उसको अच्छे से वेट कर लिया है। देन अपनी जो बेली बटन है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आपको भी सॉफ्टली क्लीन कर लेना है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑयल या फिर घी ले सकते हो। देन उसको हेल्प से आपको अच्छे से अपने जो बेली बटन है उसमें अच्छे से अप्लाई कर लेना है ऑयल को। इसको आप नाइट में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। देन जो नेक्स्ट टिप है वो है हेयर्स के लिए। आपको अपने हेयर्स को भी टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए, क्योंकि समर्स भी है प्लस स्वेटिंग के इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हेयर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग इश्यूज़ होती हैं, बैड स्मेल आते हैं हेयर्स से, प्लस इन्फेक्शन भी होता है पिंपल्स में। सो आपको अपने हेयर्स को भी वीकली बेसिस में एंड प्लस आपको 2 to 3 days की गैप में आपको अपने हेयर्स को भी अच्छे से वॉश करना चाहिए। मैं यहाँ पे वाटर में अच्छे से शैम्पू को डाइल्यूट कर लेती हूँ। देन उसके बाद मैं अपने हेयर्स में अच्छे से मसाज करते हुए अच्छे से शैम्पू को अप्लाई कर लेती हूँ। आपको अच्छे से जितने भी आपकी जो स्कैल्प है उसमें अच्छे से शैम्पू को अप्लाई करके अच्छे से अपने हेयर्स को वॉश कर लेना चाहिए। सो मैं यहाँ पे अपने अच्छे से हेयर वॉश कर लेती हूँ। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट करती हूँ कंडीशनर। आप इसको मंथ में 1 या 2 टाइम आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे मंथ में सिर्फ 1 and 2 टाइम ही आप अप्लाई करती हूँ कंडीशनर को। ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए बट 1 to 2 टाइम आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके हेयर्स में वॉल्यूम प्लस आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे अच्छे से कंडीशनर अप्लाई कर लेती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे हेयर्स कितने स्मूथ लग रहे हैं। सो अच्छे से वॉश करने के बाद में हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है शेविंग। सो आपको अपने अंडर आर्म्स को एंड अपने ग्रोइन एरिया को भी अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आप वीकली बेसिस पे अपने जो भी हेयर है उनको आप शेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने अंडर आर्म्स को भी अच्छे से शेव कर लेती हूँ वीकली बेसिस पे। देन उसके बाद में हमारी नेक्स्ट टिप है वो है स्क्रबिंग। अपने जो हैंड्स होते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्लस डर्ट आ जाती है। सो वीकली बेसिस पे आपको अपने हैंड्स, लेग्स एंड नेक को भी अच्छे से आपको स्क्रब करना चाहिए, ताकि बॉडी में से स्मेल ना आए एंड बॉडी अच्छी ग्लोइंग रहे। सो यहाँ पे आप स्क्रब कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये होममेड स्क्रब का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। सो मैं इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद में अच्छे से स्क्रब करते हुए इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इस स्क्रब को हैंड्स, लेग्स एंड नेक पे, ऑल ओवर बॉडी पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, एकदम नेचुरल है। देन उसके बाद में हमको यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी जो टिप है वो है शार। आपको डेली 2 टाइम शार लेना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन भी ना हो और स्वेटिंग प्रॉब्लम्स भी ना हो, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी का हाइजीन मेंटेन कर सको। सो मैं यहाँ पे डेली 2 टाइम बात लेती हूँ। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।